व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम, जो पिछले 2 साल से चल रहा है ज़्यादातर आईटी कंपनियां कॉर्पोरेट हाउस के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं पता है, पर दोस्तों वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्या क्या नुकसान आपको अपने लाइफ में या तो सोशल लाइफ में देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इस पर सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के क्या क्या फ़ायदे हैं वो तो आपको सबको पता ही है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो सबको घर पर बैठने को मिल रहा है और घर पर बैठ के काम करने को मिल रहा है। दूसरी बात है कि ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, उससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है और फैमिली के साथ समय बिताने को मिल रहा है, तो कुल मिला के पैसे वैसे भी बच जाते हैं इसके वजह से। तो कुल मिला के आप बोलोगे यार इतने फ़ायदे हैं तो नुकसान भी क्या है इसके, पर नुकसान दोस्तों बहुत है। नुकसान दोस्तों सबसे पहला ये है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, हम इंडियंस लोग, आपको भी पता है कि ज़्यादा फिज़िक पे इतना अच्छे से ध्यान तो देते नहीं हैं। अब क्योंकि हम ऑफिस जाते थे तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रैवलिंग भी करते थे, थोड़ा हमारी फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती थी, पर क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के वजह से हम घर पर बैठे हैं पिछले कुछ 2 साल से, और इसके वजह से देखने को क्या मिला है कि ज़्यादातर जो आदमी लोग हैं सब पेटले हो गए, देख के मेरे को एकदम हंसी आती देख के उनको, और सब अपना वेट गेन करके बैठ गए हैं और पूरी मतलब अपनी बॉडी की फिटनेस की माबेन कर दी है। ऑब्वियसली हमारी वर्कआउट तो होती नहीं है, क्योंकि वर्कआउट इंडियन सोसाइटी में आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते। जो जिम में जाते हैं वो बहुत कम पब्लिक है जो प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करती है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है वर्क फ्रॉम होम ने। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चिंता है जिसको सोचना चाहिए ज़्यादातर लोग। दूसरा दोस्तों, मुझे सबसे बड़ा नुकसान जो लगता है ना वो है सोशल लाइफ की बैंड बच चुकी है। अब आप बोलोगे यार फैमिली के साथ में रहने को बहुत मिलता है, अब फैमिली कितनी देर तक आप फैमिली के साथ में रहोगे? तो दोस्तों जब ऑफिस जाते थे हम लोग तो कहीं ना कहीं ऑफिस के फ्रेंड्स बनते नए, आपकी एक नई सोशल लाइफ स्टार्ट होती है, आपके एक ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के देखेंगे कि ऑफिस में इतने अच्छे कलीग्स बन जाते हैं तो वो अपने लाइफ के जो अच्छे दोस्तों में वो काउंट होने लगते हैं। अब क्योंकि हम ऑफिस में जा ही नहीं रहे, इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे, समय बिता ही नहीं रहे दोस्तों के साथ में, तो दोस्तों वो बॉन्ड नहीं बन पाता, वो धीरे धीरे जो बना भी है ना वो भी एक्चुअली कम होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया है कि ऑफिस का जो रूटीन था ना उससे काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, और ऑब्वियसली आप घर बैठे काम करने में या तो आप स्काइप पे हो या तो टीम्स पे हो उसमें इतना मज़ा नहीं है दोस्तों जो हम ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के काम करने में। तो यार ये चीज़ का बहुत ही बड़ा नुकसान है, आपकी सोशल लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। आप घर बैठे एकदम ये मत सोचो कि बहुत ही फ़ायदे है, नुकसान ये बहुत बड़ा है, सोशल लाइफ आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपके फ्रेंड्स जो ऑफिस के फ्रेंड्स होते हैं ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हम दिन का 8 या 9 घंटा हम वहीं पर देते थे, और ऑब्वियसली कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग काम आते हैं, और क्योंकि हम अभी मिल नहीं रहे उनसे, फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, तो वो ट्रस्ट लेवल इतना नहीं बनता। इवन आप दूसरी जो ऑफिस वगैरह में जो वर्क फ्रॉम होम में जिसने ज्वाइन किया है तो वो तो ऑब्वियसली उतना अच्छा बॉन्डिंग बना ही नहीं पाएंगे अगर वो ऑनलाइन ही काम करते हैं या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या इसके थ्रू ही चैट करते हैं। तो ऑफिस बॉन्डिंग और ऑफिस के साथ में मतलब ऑफिस में बैठ के लोगों के साथ में काम करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फैमिली ठीक है, फैमिली के साथ में समय मिल रहा है, पर
वो चीज़ भी कम नहीं है दोस्तों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने में। हम जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फेस करने की आपकी हैबिट बनती है, और कहीं ना कहीं चैलेंजेस मिलते हैं हमें कि हाँ ऐसा ये इंसान है, इसको यार कैसे टैकल करना है, वैसे करना है। अब क्योंकि हम घर पे बैठे हैं तो बहुत हद तक हम इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ऑफिस वगैरह के काम भी करते रहते हैं, पर यार ऑफिस में हमें एकदम प्रॉपर एक सराउंडिंग में रहना पड़ता है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी है मेरे हिसाब से। वो एक हाथ में कप और दूसरे हाथ में सिगरेट, क्या देख के सिनेरियो बनता था, क्या देख के मज़ा आता था लोगों का। मतलब मैं सिगरेट पीता नहीं था, पर ऑब्वियसली दोस्तों के साथ में नीचे जाने का, थोड़ा घूम फिरने का, थोड़ा कैंटीन में जाने का, मतलब अगर आपने वो लाइफ जी है, आप वैसी लाइफ में कॉर्पोरेट लाइफ में रहे हो, तो दोस्तों इसमें कितना मज़ा आता है आपको बता भी नहीं सकता। मतलब एक अलग लेवल का मज़ा है, और वो आप घर पे बैठ के आप वो जी ही नहीं सकते। आप भले आप बोलोगे पैसे बच रहे हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, वो अपनी अपनी जगह है, पर ये चीज़ का बहुत ही मतलब एक तरीके से ना मतलब आनंदमय होता है। मतलब दो घंटे के बाद में आपको ब्रेक लेने का, एक घंटे का ब्रेक लेने का, मतलब देखो काम तो ऑब्वियसली घर पे भी हो रहा है, उधर भी होता था, पर ये सारी चीज़ आप घर बैठे कर ही नहीं सकते हो, वो चीज़ को आप डेफिनेटली मिस करोगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक नुकसान है जो वर्क फ्रॉम होम के वजह से वैसी वैसी लाइफ, वो हैप्पी मोमेंट्स कहीं ना कहीं हम मिस करेंगे। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है वर्क फ्रॉम होम का और सबसे ज़्यादा कबाड़ा किया है, वो है दोस्तों लव लाइफ। आपकी जो प्यार वाली लाइफ होती है ना, वॉचिंग योर क्रश एवरी डे इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू आर गोइंग टू ऑफिस, इट्स लाइक डिफरेंट फीलिंग, आपको बता नहीं सकता। मतलब अपने प्यार को रोज़ देखना, अपनी क्रश को रोज़ देखना सामने, और उससे जो मोटिवेशन मिलती है ऑफिस में आने की और काम करने की, तो वो इसकी कोई लेवल अलग ही, आप समझ नहीं सकते उसका। और क्योंकि मैं आईटी प्रोफाइल में रहा हूँ, अपनी लाइफ में काम किया मैंने, तो कैसे कि हमें टिकट मिलती थी हमें इश्यूज़ की, और जब यू गेट ए टिकट फ्रॉम योर क्रश, मतलब अपने क्रश या जिसको आप पसंद करते हैं उसके थ्रू से इशू आता है, तो यार एकदम हीरोगिरी करके जाने का और वहाँ पे इश्यूज रिजॉल्व करके आने का, और मतलब इसी बारे इंटरेक्शन करने का, तो वो चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, मतलब बहुत ही गजब फीलिंग है उस चीज़ की। और आपको क्या बोलूँ, मतलब ऑफिस लव और ऑफिस रिलेशनशिप इतनी इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो ही एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे यू आर एक्चुअली रेडी फॉर मैरिज। मतलब आप 27-28 के एज में आ चुके हो, काम करने की एज में आ चुकी हो, और अब वो टीनेजर वाली समय रहा नहीं है। तो अभी इस समय अगर कोई प्यार वाली सिचुएशन बनती है, तो मोस्टली दे कन्वर्ट इनटू मैरिज। तो ऑब्वियसली अगर ये सब चीज़ें हम मिलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, तो ही होगी ना यार। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे और स्काइप पे बैठ के वो सब कहाँ होने वाला है। तो यार ये कवाड़ा किया है वर्क फ्रॉम होम ने, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट पर्सन। मेरे को बहुत इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है, कम्युनिकेट करने में बहुत मज़ा आता है, और क्योंकि ऑनलाइन में एक लिमिटेशन है, ऑब्वियसली सामने वाला बंदा आपको इतना हद तक ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक, या तो इतना अच्छे से पहचान नहीं पाएगा, इतना अच्छे से जान नहीं पाएगा। तो वो चीज़ मैं ज़रूर मिस करता हूँ यार, वर्क फ्रॉम होम में ये चीज़ ने कबाड़ा किया है। और दोस्तों क्या बोलूँ, मतलब जो मैरिड है वो भी मतलब मौके आने पर लाइन मारते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर टीम, तो यार वो मैनेजर हो या जो छोटा वाला एम्प्लॉय कोई भी हो, मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो होता ही है, फिर वो बायसनेस भी दिखती है कहीं ना कहीं, और वो फ्लर्टबाजी भी दिखती है, और ये होता है ऑफिस वगैरह में, कॉर्पोरेट लाइफ वगैरह में। तो ये सब चीज़ का मज़े भी है, ठीक है कहीं ना कहीं नुकसान है, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी देखने को मज़ा आता है ये सब चीज़ों में।
और दोस्तों ये कहीं ना कहीं सच भी है कि अगर टीम में लड़कियां हो या वुमेन हो ना, तो वो टीम की जो स्ट्रेंथ है ना बहुत ज़्यादा सही रहती है, मतलब वो एटमॉस्फेयर ज़्यादा सही रहता है और प्रोडक्टिवनेस भी कहीं ना कहीं देखी जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बहुत सारे लोगों ने जॉब स्विच की है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट गेटिंग अ चांस टू मीट, दे आर नॉट एबल टू गेट अ चांस फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो वो कहीं ना कहीं उससे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग अभी सोचते हैं कि चलो जॉब छोड़ देते हैं, और इस वजह से जब लड़कियां टीम में रहती है और हमें रोज़ रोज़ उनको फेस करना, मतलब ऑब्वियसली अगर क्रश वगैरह है तो बहुत सारे लोग इसी बहाने जॉब कंटिन्यू करते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सच है। इवन अगर वो जॉब से हैप्पी नहीं है या तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज उनको क्रश देखने को मिल रही है या तो उसके साथ में समय बिताने को मिल रहा है तो वो लगे रहते हैं। तो ये एक चीज़ का फ़ायदा बोलूँ या नुकसान बोलूँ, तो वो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये चीज़ में अभी ऐसा लगता है कि छोड़ना यार, अभी क्या है, मिलने को हो नहीं रहा है तो चलो जॉब नया पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ में ये एक डिसएडवांटेज है या एडवांटेज, ये आप ही समझ लो। तो ऐसा है मेरे दोस्त, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे ही होते हैं तो यार नुकसान भी है भैया, ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें गुड गुड यही आएगी, थोड़े बहुत नुकसान आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। मे बी अभी ये शुरुआत है वर्क फ्रॉम होम का, ये जो पिछले 2 साल से ही चला है, पर लॉन्ग टाइम में आपको कहीं ना कहीं इसका चीज़ का नुकसान देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है या तो मेरा नज़रिया है। खैर हर एक लोगों की अलग अलग सोच और हर एक लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, पर दैट वॉज माई ऑब्जर्वेशन वर्क फ्रॉम होम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। खैर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, आपका कोई सवाल हो तो ऑब्वियसली आप पे हमेशा की तरह वेलकम हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, मेहनत तो लगती है यार, आप वीडियोस रिकॉर्ड करना ये सब चीज़ें करना, इट्स लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो अगर आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अदरवाइज इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।